सब्सक्राइब करें और देखें हर मंडे एक हिला देने वाली हॉरर स्टोरी। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। मैं और मेरी गर्लफ्रेंड हमारे एक कॉलेज फ्रेंड की बर्थडे पार्टी से वापस आ रहे थे। उसके घर से निकलते निकलते हमें काफी देर हो गई थी। उसका फार्म हाउस जहां पर पार्टी हो रही थी वो शहर के बाहरी इलाके में था, जो अक्सर सुनसान रहता था। उस रात भी वो हाईवे वैसा ही सुनसान था। हमारे अलावा कोई भी गाड़ी उस रास्ते पर नहीं थी। मैं कार चला रहा था और मेरी गर्लफ्रेंड सिनोया मेरे बगल में बैठी थी। उस रात की खामोशी से डर न लगे इसलिए मैंने गाड़ी में गाने चला रखे थे, पर फिर भी मुझे बहुत जोरों से नींद आ रही थी। बार बार मेरी आंखें झपक रही थी और मुझसे कार नहीं चलाई जा रही थी। सिनोया ने किसी तरह मुझे जगा के रखा था। वो बार बार मुझसे कुछ ना कुछ बातें कर रही थी, लेकिन मेरा ध्यान उस रोड के अंधेरे पर ही था। अचानक मुझे एक झपकी सी आई और जैसे ही मैंने आंखें खोली मैंने देखा कि मेरी गाड़ी के सामने एक लड़की आ गई है। मुझे होश आता उससे पहले मैं उसे कुचल चुका था। मैंने जब गाड़ी रोकी तो वो जमीन से खरचते खरचते एक साइड पर रुक गई। जब मेरी नजर रोड पर गई तब मैंने देखा कि एक लड़की की आधी कटी हुई बॉडी वहां पर पड़ी है। उसका सिर्फ सर और ऊपर का शरीर वहां था, बाकी सब कुछ गायब था। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरी गाड़ी ने उसे दो हिस्सों में बांट दिया है। सिनोया को उस रोड पर कुछ भी नहीं दिख रहा था। मैं बहुत घबरा गया था और मैंने वापस से कार स्टार्ट की और जल्दी से अपने घर की ओर निकल गया। अब मेरी नींद पूरी तरह से उड़ चुकी थी। थोड़ा आगे जाके जब मेरी नजर गाड़ी के रियर व्यू मिरर पर पड़ी तब मेरे होश उड़ गए। मैंने देखा कि उस लड़की की ऊपर की आधी कटी हुई बॉडी मेरी कार के पीछे पीछे आ रही है और फिर कुछ ही पल में वो एकदम से गायब भी हो गई। सिनोया ये सब नहीं देख पा रही थी। घबराहट के मारे मैं भी उसे कुछ नहीं बोला। वो हाईवे खत्म होने ही वाला था कि मुझे उस लड़की का निचला हिस्सा यानी उसके दोनों पैर मेरी गाड़ी के सामने से गुजरते हुए देखे। मैंने हिम्मत की और गाड़ी नहीं रोकी और मैं उन पैरों के आर पार हो गया। तभी मेरी कार के शीशे पर उस लड़की की ऊपर की बॉडी आके गिरी। मैं चीख उठा और कार का कंट्रोल लूज कर गया, जिससे मेरी कार डिसबैलेंस होकर पलट गई। सिनोया दूर जाकर रोड पर गिरी। तभी उस हाईवे पर बहुत तेज स्पीड में एक ट्रक गुजर रहा था। इससे पहले कि मैं उसे बचा पाता वो ट्रक उसे दो हिस्सों में कुचल के चला गया। मैं बहुत जोर से चीखा, सिनोया सिनोया, और चीखते चीखते बेहोश हो गया। दो दिन बाद हॉस्पिटल में मेरी आंख खुली और मुझे डॉक्टर्स ने बताया कि वो सिनोया को बचा नहीं पाए। जब मैंने अपने दोस्त को ये पूरा किस्सा बताया तो उसने मुझे टेके टेके की खौफनाक कहानी सुनाई। उस दिन से हर रात मुझे एक सपना आता है जहां मुझे ऐसा लगता है कि कोई मेरे पीछे रेंगते हुए आ रहा है और मुझसे आके पूछ रहा है कि उसके पैर कहाँ हैं। मुझे नहीं पता कि वो सिनोया है या टेके टेके, पर उस सवाल को सुनकर रोज रात मेरी रूह कांप जाती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो हमारा चैनल खूनी मंडे अभी सब्सक्राइब करिए और देखिए हिला देने वाली हॉरर स्टोरीज़।